आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, अ सोनोमीटर वायर विथ ए सस्पेंडेड मास ऑफ 1 kg इज इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, द ऑपरेटर इज टेकन टू मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑन अर्थ। टू ऑब्टेन रेजोनेंस ऑन मून द वैल्यू ऑफ एम शुड बी। देखिए गाइस, यहां पे क्या बोल रहा है, सोनोमीटर का सेटअप कैसे ऐसा होता है। सोनोमीटर का सेटअप होता है ये, यहाँ पे ऐसे मास लटका हुआ होता है। ओके, और यहाँ पे दो ब्रिजेज होते हैं, इनके बीच के लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, और ये मास लटका होता है जिसकी वजह से इस रस्सी में टेंशन टी होता है एम जी के बराबर। ठीक है, टेंशन टी की वैल्यू क्या होती है गाइस, टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी, ये होता है। तो यहाँ पे मास जो है वो कितना है गाइस, वन दिया हुआ है, मास वन दिया हुआ है, तो टेंशन कितना है, टेंशन इज इक्वल टू है जी। ओके, टेंशन इज इक्वल टू कितना है, जी न्यूटन, और जी की वैल्यू भी 10 रख दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग इसको ले जाते हैं मून पे, इस ऑपरेटर्स को हम लोग मून पे लेते जाते हैं, और मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश कह लेते हैं, वो है जी बाई सिक्स, क्योंकि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है, यानी जी बाई सिक्स। तो गाइस बोल रहा है कि टू ऑब्टेन द रेजोनेंस, हम लोगों को क्या है, वहाँ पे भी रेजोनेंस चाहिए, वहाँ पे रेजोनेंस चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी होता है गाइस, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/2l। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होना चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि रस्सी तो चेंज हो नहीं रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं लिखूँ कॉन्स्टेंट, इसका मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और वेलोसिटी का सीधा सा फॉर्मूला होता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, √T/μ। ओके, और अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है गाइस, टी मतलब टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, इनिशियली जितना था फाइनली भी उतना ही होना चाहिए। तो फाइनल देख लेते हैं टेंशन कितना होगा। मान लीजिए फाइनल ये सेटअप है, ये इसका मास कितना है, मास बाद में कुछ स्मॉल एम मान लेते हैं, नीचे की तरफ g/6, तो mg/6 नीचे की तरफ। ठीक है, mg/6 नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन है, और टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होना है तो गाइस, तो टेंशन कितना है जी। ओके, तो मैं यहाँ से लिख दिया mg/6 इज इक्वल टू जी, जी ने जी को तबाह कर दिया, और यहाँ से एम की वैल्यू मिल जाएगी 6 kg। एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, 6 kg, यानी 6 kg जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग अर्थ पे 1 kg का मास ले रहे हैं, तो हमें मून पे 6 kg का मास लेना होगा सेम फ्रिक्वेंसी पाने के लिए, इससे थर्ड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।